ये वायरल वीडियो मुझे भी मिला था कल। उसकी आज जांच करने के लिए मैं जाट बहरोड शिक्षक जोगेंद्र के घर पहुंचा, जहां वो मौजूद नहीं मिला। फोन पे संपर्क किया तो फोन उसका घर पे ही था। उसकी पत्नी भी शिक्षिका है। तो जैसा घटनास्थल वीडियो में था वैसा ही वहाँ दिखा, और जहाँ से वो संभवतः बनाया गया होगा वो उसी के भाई का घर था, जो उसके भतीजा जो जयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है से टेलीफोन पे बात की। उसने कहा कि कल वो थाने पर आकर समस्त घटना से अवगत कराएगा। उसने उनका व्यवहार सुधारने हेतु तो काफ़ी समय पहले ये वीडियो बनाया, ऐसा उसने बताया। पर जब वो आएगा तो उससे इस संबंध में जानकारी ली जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी आरोपी जोगिंदर जो इसमें निमा को प्रताड़ित कर रहा है से संपर्क नहीं हुआ है, उसको जल्दी ही लाकर पूछताछ की जाए। सर, वीडियो में ऐसा बताया कि उसकी माँ को उसके साथ जैसे बर्ताव किया उसके दौरान मरने की, कुछ ऐसा सामने आया? ये वीडियो संभवतः 18 जनवरी का बताया जा रहा है अभी, और 28 तारीख को उन्होंने एक भोज का आयोजन भी किया था उसकी मृत्यु के उपरांत, जो पिछले 6 साल से आज मृतक वृद्धा की पुत्रिया भी घर पे मौजूद मिली। बताया कि उसको पैरालिसिस था और पिछले 6 साल से वो बीमार थी, उम्र करीब 82 वर्ष थी। जिससे अभी ये वीडियो पुराना है कि अभी का है, इसका सच पता करके आगे की कार्रवाई की जाए।